देखिए श्री राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा में है, मुझे थोड़ा सा असंभव लग रहा है उनकी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर आना, लेकिन प्रियंका गांधी जी पूरी तरह से इन चुनावों में समर्पित रहेंगी। शेड्यूल की जहां तक बात है, मान लीजिए चंबा में करना है, कांगड़ा मंडी में करना है, तो वहां के जो हमारे उम्मीदवार और हमारे विधायक हैं उनसे चर्चा की जा रही है कि उन सबको कौन सी तारीख जो है वो सूट करती है, वही तारीखें श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को दी जाएंगी। और जिस तरीके से दोनों में समन्वय बनाते हुए तारीखें फाइनल होंगी, हम मीडिया के साथ उनके कार्यक्रमों को जो है पूरी तरह से शेयर करेंगे कि जो सत्ताधारी बीजेपी केंद्र में है वो अभी भी बीच चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है, ये हमारी एक चिंता है। क्योंकि चुनावों में हमने देखा है, बीच चुनाव में केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं का, खासतौर से सीबीआई ईडी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जो एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए उसके बीच में अड़े आती है। और हम भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा हैरान जरूर है कि जब 12 नवंबर को वोट हो रहा है तो गिनती अगले 2-3 दिनों में, जैसी हमेशा नियम रहा है प्रक्रिया होती है, उसे रोकने का कारण समझ नहीं आया कि अगर गुजरात की तारीखों की घोषणा नहीं हुई तो फिर इतना लंबा समय गिनती के लिए क्यों लगाया गया। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।